आज के इस वीडियो में हम V380 3MP Wi-Fi MY90 ये बिग बुलेट में हम असेंबली करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम पार्ट्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक IP रीसेट केबल, जिसमें एक पॉइंट हमारा इंटरनेट केबल का होगा और एक रीसेट केबल का होगा। तीन केबल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक V380 3MP का PCB है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा 12+2 के बुश, 4 बुश चाहिए होंगे। एक हमें 8-पिन कनेक्टर चाहिए होगा और एक हमें 2-पिन कनेक्टर चाहिए होगा। उसके बाद IR LED आएगी, जिसमें यहाँ पे 10 एरे हैं, 10 LED है इसके अंदर, और इसका हमें एक LED कप चाहिए होगा। 4 हमें स्क्रू चाहिए होंगे फ्रंट ग्लास टाइट करने के लिए। फ्रंट ग्लास कुछ इस तरह का है इसका, MY90 है बॉडी का, इसको टाइट करने के लिए 4 स्क्रू यहाँ पे लगेंगे। तो ये वो 4 स्क्रू है। 3 स्क्रू हमें चाहिए 2.5x6 का, जिससे हम IR LED को टाइट करेंगे। CCD स्क्रू चाहिए हमें, 8 CCD स्क्रू चाहिए होंगे। एक रेड वायर, एक हमें स्पीकर चाहिए होगा इसके अंदर, और 4 हम स्क्रू लेंगे, जिससे हम जो हमारा स्पीकर बोर्ड का कवर्ड है इसको हम टाइट करेंगे। एक हमें माइक चाहिए होगा, ये माइक पतले वाला माइक है, इसकी जो हाइट है वो कम है। इसमें हमें फिर चाहिए होगा एक, ये हमारा वाटरप्रूफ रबड़ है, ग्लास के पीछे ये लगता है ये कवर। एक लेंस कवर है, जो ये लेंस होगा इस पे हम इसको लगाएंगे। फिर एक स्पीकर बोर्ड पे ये रबड़ दिया हुआ है वाटरप्रूफ के लिए। 2 हमें एंटीना चाहिए होगा, जिसमें एक हमें एंटीना का वायर है इसके अंदर, एक सिर्फ ऐसे डेमो के लिए है। उसके बाद हमारा ये बिग बुलेट की बॉडी है, ये MY90A की ये बॉडी है। तो इसकी हम असेंबली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे IP रीसेट केबल, और इसके अंदर हम इसको हम पहले बॉडी में डालेंगे। चलो इस तरीके से बॉडी में इंसर्ट करके ऑफ कर दिया। अब हम इसके ऊपर 8-पिन और 2-पिन कनेक्टर को लगाएंगे। IP रीसेट केबल के अंदर 8-पिन और 2-पिन कनेक्टर को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जो हमारा 2-पिन कनेक्टर होगा इसके अंदर जो हम वायर की कोडिंग करेंगे वो हाफ ब्लैक और हाफ रेड कलर का वायर होगा इसके अंदर, और इसका जो काम होगा वो हमारा IR LED को पावर देने का काम करेगा। वही जो हमारा दूसरा कनेक्टर होगा वो हमारा 8-पिन कनेक्टर होगा, और ये हमारा PCB को पावर देने का काम करेगा। और इसकी जो वायर की जो कोडिंग होगी वो आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें रेड वायर को लगाना है, उसके बाद ब्लैक को लगाना है, फिर हमें ब्राउन को लगाना है, उसके बाद पर्पल कलर को लगाएंगे, बैगनी कलर को, फिर उसके बाद वाइट ग्रीन वायर लगाओगे, जिसके अंदर आधा वाइट और आधा ग्रीन होगा। उसके बाद आपको पूरा एक ग्रीन कलर का वायर होगा, उसको आपको लगाना है। फिर आपको वाइट ब्लू लगाना है, यानी कि उसमें आधा ब्लू होगा आधा वाइट होगा, उस वायर को लगाओगे। और फिर उसके बाद आपको जो है ब्लू कलर का वायर है उसको आपको कनेक्शन करना होगा। तो पूरा सेम इसी तरह सीरीज में आपको कनेक्शन करना होगा। तो इसके अंदर हमने कनेक्टर लगा दिए हैं। 2-पिन कनेक्टर में पहले लगाया है ब्लैक और वाइट, सेकंड वाले में लगाया है रेड और वाइट। इसके बाद जो 8-पिन कनेक्टर है इसके अंदर हमने सबसे पहले लगाया रेड, फिर ब्लैक, ब्राउन, पर्पल, वाइट और ग्रीन है इसके अंदर, फिर उसके बाद ग्रीन, वाइट ब्लू, और फिर उसके बाद ब्लू का कनेक्शन यहाँ पे करा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एंटीना को लगाया है। तो इसके अंदर एंटीना की केबल होती है, सॉरी एंटीना की वायर है इसके अंदर। तो हमने इसको असेंबल कर दिया, इसको प्रेस करके अंदर घुसा देते हैं, और इसको फिर हम इस तरीके से पीछे की बॉडी में हमने यहाँ से इसको डालेंगे एंटीना के वायर को, ठीक है। उसके बाद हम ये सेकंड वाला ये लगा देंगे। तो ये दोनों एंटीना हमने इस तरीके से लगा दिया है, और उसके बाद 2 स्क्रू डाल के हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमने स्क्रू को टाइट कर दिया है, और ये एंटीना हमारे इस तरीके से फोल्ड भी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट ग्लास को लेंगे, और फ्रंट ग्लास को हम कॉलिन और कॉटन कपड़े से पहले हम इसको साफ कर लेंगे अच्छे से, अंदर की साइड से भी और बाहर की साइड से भी। साफ करने के बाद हम इसे पहले लेंस रबड़ को लगाएंगे, ठीक है। लेंस रबड़ लगाने के बाद हमने यहाँ पे CCD स्क्रू और पिलर को हमने यहाँ पे लगाया है, सॉरी बुश को लगाया है यहाँ पर, 12+2 के बुश का यूज किए हैं। तो
तो आईआर एलईडी के अंदर हमने 12+2 के बुश को लगाए हैं, 4 बुश यहाँ पे लगा करके, और 4 सीसीडी स्क्रू को हमने यहाँ पे लगा करके टाइट कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम एलईडी कप को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आईआर एलईडी के ऊपर हम एलईडी कप को लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम फ्रंट ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे लेंस रबर को लगा दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले आईपी माइक को लगाएंगे। आईपी माइक को हमने लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम आईआर एलईडी को लगाएंगे और 3 हम स्क्रू लेंगे यहाँ पर, 2.5x6 का हम स्क्रू लेंगे और इसको हम इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे माइक लगा दिया है, आईआर एलईडी को हमने टाइट कर दिया है 2.5x6 के स्क्रू से, 3 स्क्रू हमने यहाँ पे लगाए हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर पीसीबी को लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम पीसीबी को लेंगे, V380 3MP का पीसीबी है और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइक का कनेक्शन करेंगे। तो माइक की जो वायर है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पर माइक की वायर को लगा दिया है और ठीक उसको पलट के इस तरीके से हम यहाँ पे अब हम पीसीबी को यहाँ पे टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हम यहाँ पे सीसीडी स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे जिसका साइज यहाँ पे 2.4x6 होगा। तो यहाँ पर हमने पीसीबी को टाइट कर दिया है सीसीडी स्क्रू की मदद से। 4 हमने सीसीडी स्क्रू लगाए हैं यहाँ पर और 2 यहाँ पे सीसीडी स्क्रू लेंस को हमने टाइट किया हुआ है, लेंस और लेंस होल्डर को यहाँ पे हमने टाइट किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी रेड वायर थी, रेड वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारी आईआर एलईडी थी उसमें हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने पीसीबी के अंदर स्पीकर का कनेक्शन किया है, सबसे इधर यहाँ पे हमने लगाया है स्पीकर का कनेक्शन, हमने इस तरीके से किया। तो अब हम यहाँ पे वाटरप्रूफ रबड़ को लगाएंगे जो कि बिग ब्लड बॉडी का है। इस तरीके से हमने यहाँ पे रबड़ को लगा दिया है। अब हम इसके अंदर एंटीना का कनेक्शन करेंगे। तो एंटीना का जो कनेक्शन करना है, ठीक यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट दिया है इसके बगल में यहाँ पे गोल वाला दिया हुआ है, यहाँ पर हम एंटीना को लगाएंगे, ठीक है। लगाओ तो ये हमने एंटीना को लगा दिया है। एंटीना को लगाकर एक क्लिक का साउंड करेगा, तो इस तरीके से एंटीना हमारा लग गया है। अब हम इसके अंदर 8-पिन कनेक्टर को लगाएंगे। तो ये हमने 8-पिन कनेक्टर को लगा दिया है। अब हम लगाएंगे 2-पिन कनेक्टर जो कि आईआर एलईडी में लगेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है, कनेक्शन हमारा डन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पे रेड वायर लगा है, 8-पिन कनेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, इधर हमने माइक लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने जो 2-पिन कनेक्टर था वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और इधर हमने यहाँ पे हमने माइक का एंटीना का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, और पीछे का कनेक्शन आपको पहले ही दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा असेंबली हमारा डन हो गया है। अब हम इसको बंद करने वाले हैं बॉडी को। तो इसको जब हम बंद करेंगे, सबसे पहले हम माइक को क्या करेंगे, स्पीकर को हम क्या करेंगे, इस होल से बाहर निकाल देंगे। निकाल दिए, चलो आगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट ग्लास है उसको हम बंद कर देंगे, और जो हमारा स्क्रू है उस स्क्रू से हम फ्रंट ग्लास को हम टाइट कर देंगे। स्क्रू गन की सहायता से हम इसको पूरे को टाइट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट ग्लास को टाइट कर दिया है। अब हम स्पीकर को वाला जो एरिया है इसको हम बंद करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्पीकर पे एक व्हाइट कलर का टेप होता है जिसको हम हटा देंगे। और हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा स्पीकर वाला एरिया यहाँ पे हमने वाटरप्रूफ रबड़ को लगा दिया है, और स्पीकर को हम इसके जो हमारा इसका कवर है उसके अंदर हम इसको चिपका देंगे अच्छी तरीके से, और चिपकाने के बाद हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। 4 स्क्रू लेंगे और 4 स्क्रू को फिर हम इसको टाइट कर देंगे।
तो ये हमारा MY90 3MP V380 PCB के साथ ही हमारी पूरी असेंबली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये एंटीना हमारा मोबाइल एंटीना होता है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा एंटीना यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस तरीके से 10 RA में ये हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। सारे स्क्रू वगैरह सब हमने टाइट कर दिए हैं और ये पूरी असेंबली यहाँ पे हमारी डन हो गई है। अब इसको हम टेस्टिंग पे भेजेंगे यहाँ से।